पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे किसान जानना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट क्या है और पीएम किसान योजना के अंदर मोबाइल से आवेदन किस तरह से कर सकते हैं क्योंकि यहां पर अभी मोबाइल से आवेदन में बहुत सारे किसानों को समस्या ही आ रही है और साथ ही आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसान स्टेटस किस तरह से देख सकता है और रजिस्ट्रेशन की जो लिस्ट है वो किस तरह से देख सकता है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस लिस्ट में रिजेक्ट लिस्ट में ना हुआ है या फिर एक्सेप्ट लिस्ट में नाम आया है या फिर अभी हमारा फॉर्म पेंडिंग में है तो यहां पर हम इस वीडियो में छोटे से वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा तो यहां पर मैं मेरे मोबाइल में आ चुका यहां पर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि अगर आप मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या तरीका है और इस योजना की आवेदन की जो लास्ट डेट है वो क्या है और यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं अगर आप एक किसान हैं इस योजना में अभी आप आवेदन कर चुके हैं तो यहाँ पर अगर आप लिस्ट चेक करना चाहते हैं कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर अभी पेंडिंग में है तो यहाँ पर हम सबसे पहले बता देता हूँ इस योजना में अगर आपने आवेदन कर दिया है तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर यानी अगर आपने खुद मोबाइल से या फिर सी से आवेदन कराया है तो इसका स्टेटस आप यहाँ पर आप अपने आधार नंबर डालकर चेक कर सकते हैं इमेज को डालकर और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फॉर्म का जो स्टेटस वो आपके सामने आ जाएगा कि आपका फॉर्म अभी तहसील स्तर पर है या फिर जिले में गया है या फिर राज्य सरकार के पास चला गया है क्योंकि आपका फॉर्म आवेदन करने के बाद तीन स्टेज से गुजरता है ज़िले में राज्य से और तहसील से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी आपका फॉर्म कहाँ है अब हम बात करते हैं अगर आप अपने गांव शहर की या फिर आप अपने ऑनलाइन आवेदन की लिस्ट देखना चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है इसके लिए आपको इस वेब साइट के अंदर आना होगा यहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आप जैसे आओगे तो यहां पर एक जो मानचित्र दिखाया जाता है इसके ऊपर आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है अगर आप इस योजना में इस वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं तो यहां पर आपको इस वेबसाइट का इस तरह का पेज आपको दिखाई देने वाला है यहां पर आपको जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है यहां पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉग विलेज डालना होगा तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर सभी डाल कर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको ब्लॉग विलेज सभी डालना है डालने के बाद यहाँ पर आपको जो सर्च बार दिखा रखा है सो so वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर अभी टोटल स्टेटस देख सकते हैं कि अभी इस गांव में सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी ये एक्सेप्ट हो चुका है बल्कि यहाँ पर अभी पेंडिंग में है अभी एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है और अगर आपके गांव शहर में अगर आपके भी यहाँ पर कोई आवेदन हुआ है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो पेंडिंग में इसके स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी पेंडिंग में है और यहाँ पर इसका नाम वगैरह भी देख सकते हैं डिटेल भी देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है ऑनलाइन आवेदन मोबाइल से किस तरह से कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट क्या है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना होगा यहाँ पर आने के बाद किसान भाइयों में आपको बता देता हूँ बहुत सारे किसान मोबाइल से जैसे आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग कैप्सा दिखाने लग जाता है तो यहाँ पर किसान भाई मैं बता देता हूँ इसका मतलब है कि आपका कैब सा कोड गलत है लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है पीएम किसान योजना ने किसानों को मोबाइल से आवेदन करने के लिए बिल्कुल ही मना कर रखा है यानी बंद कर रखा है क्योंकि अभी पीएम किसान योजना में बहुत फर्जी किसान पकड़े गए हैं जिन्होंने इस तरह के आवेदन कर रखे थे जिसमें किसी न किसी प्रकार की है न तो किसानों के पास ज़मीन थी ना ही न कुछ और था यहाँ पर फर्जी किसानों ने आवेदन कर रखा था अब सी सेंटर से आवेदन होता है तो वहाँ पर सी सी चालक की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो आवेदन किया है वो बिल्कुल जैनअन किसान था फिर उन्होंने आवेदन किया है इसलिए सी एस सी संचालक के पास पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो आवेदनकर्ता किसान का है वो सारी डेटा को मैच करे फिर उस यो योजना में आवेदन करें तो यहाँ पर अभी मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं तो मोबाइल से आवेदन अभी बंद है और इस योजना की हम लास्ट डेट की बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की तो अभी इस योजना में कोई लास्ट डेट नहीं आई आप अपने मोबाइल से जब चाहे या फिर लैपटॉप से चाहे सी एस सी आई डी से आवेदन कर सकते हैं बाकी यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन बिना का नहीं कर सकते मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सी एस सी लॉग इनका ऑप्शन मिलता है जैसे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सीएससी लॉग इन यहाँ पर आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से आई डी लेनी होगी आई डी लेने के बाद यहाँ पर आपको लॉग इन करना है और आसानी से आवेदन कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी तो किसान भाई अगर आपको मेरे द्वारा बताएगी छोटी जानकारी से लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना धन्यवाद किसान भाई मिलते हैं अगले वीडियो में